डिस्कस हमने 12x30 की हाउस प्लान की, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हमारा थंबनेल 12x30 में आज हम हाउस प्लान डिस्कस करेंगे, जो हमारे एक सब्सक्राइबर थे उनके कहने पर इस मॉडल को मैंने डिज़ाइन किया है। और बहुत ही जगह कम होने के कारण मकान में ज़्यादा रूम्स वगैरह नहीं क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि 12 ना तो ज़्यादा चौड़ाई होती है और 30 फिट ना तो ज़्यादा लंबाई होती है, लेकिन उसमें आप बहुत ही आसानी से एक फैमिली की रहने की व्यवस्था कर सकते हैं ग्राउंड फ्लोर पर। हालांकि अगर आप मल्टीपल फ्लोर्स बनवाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप और भी चीज़ें डिज़ाइन करवा सकते हैं, लेकिन जो रिक्वायरमेंट थी वो 12x30 की थी और केवल बेसमेंट फ्लोर की थी। तो ये पूरा मॉडल आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में लगातार। मैं हूं पवन झाकड़ और आप देख रहे हैं दोस्तों स्मॉल हाउस प्लान। अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाएं, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो देख सकें। और दोस्तों मैंने आज से एक नई सर्विस स्टार्ट की, अगर आप हमसे पेड़ बनवाना चाहते हैं, पैसे देकर कोई मकान डिज़ाइन करवाना चाहता है, तो मैं उसका स्पेसिफिक अलग से डिज़ाइन करूँगा और उसमें आपको प्रॉपर तरीके से 2D विथ कॉस्ट, क्या उसकी कॉस्ट आएगी, क्या उसका स्पेसिफिकेशन होगा, क्या रिक्वायरमेंट, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन वो पेड रहेगा। आपको पैसे देकर उस घर को बनवाना होगा। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर है हमारा, वो आप उस पर हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, वहाँ पर फ्री वाले कोई भी कॉन्टैक्ट ना करें, क्योंकि मैं फ्री वहाँ पर नहीं बनाने वाला हूँ। फिर आप कहेंगे सर मेरा बनाया नहीं, ये है वो है, तो आप इसलिए केवल जिनको पैसे देकर बनवाना हो डिज़ाइन, वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। तो चलो आज हम इस मॉडल को डिस्कस कर लेते हैं जो मैं आज बताने वाला हूँ 12x30 का। तो दोस्तों आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ये प्लान है, जैसा कि मैंने आपको बताया था बहुत ही बेहतरीन प्लान है 12x30 में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। फ्रंट से आपका रोड निकला, ये देखिएगा ये रोड है और 3 साइड क्लोज हाउस है ये। तो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे 12x30 में, जिसमें कि आपको एक बेडरूम, लेटरिन, बाथरूम और स्टेयर्स मिल जाती हैं। ये इसका फ्रंट लुक है, मैं आपको मैक्सिमम जूम करके आपको दिखाता हूँ फ्रंट से, सामने से आप ही इसको ऐसा देख पाएंगे। तो इसी को सबसे पहले हम हमेशा के देखिए ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं, ट्रांसपेरेंट सी में ये मॉडल कैसा दिखता है आप देख लें। तो जैसे आप ट्रांसपेरेंट करते हैं तो ये मॉडल आपको ऐसा दिखता है, यहाँ पर दीवारें सारी हाइड हो जाती, फर्नीचर, विंडो और आपका डोर वगैरह दिखता है, तो ये ट्रांसपेरेंसी में दिखता है। और अगर फ्रंट व्यू की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी में आप ऐसा देख पा रहे होंगे और टॉप वगैरह आपको बिल्कुल नॉर्मल सा ही दिख रहा होगा। इसको जैसे ट्रांसपेरेंसी रिमूव करते हैं तो अब आपका ये ओरिजिनल मॉडल देखने को मिलता है। तो अगर हम इसके ग्राउंड फ्लोर पर आपको ले चले तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है दोस्तों, आप देखिएगा। तो दोस्तों जैसे आप इसके फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो देखिएगा ये इसका पूरा टोटल मॉडल है। अगर हम मैक्सिमम जूम किया है तो यहाँ पर ये इसका डोर है और ऊपर से आपका ये जाली, तो ये इसका एक विंडो है। जैसे आप यहाँ से एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको स्टेयर मिलती है और स्टेयर्स के नीचे लेटरिन बाथरूम कम्बाइंड मिल जाता है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये आपका विंडो दिया। अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और ये आपका स्टेयर्स यहाँ से जाएगा, मुड़ के आपको ऊपर टर्न हो जाएगा। और इसके बाद देखिएगा जैसे आप गैलरी से अंदर जाते हैं तो ये आपका मिल जाता है एक किचन, बड़ा सा किचन है जिसका डोर मैंने यहाँ पर दिया है। और पीछे आपका एक बेडरूम, जो कि बेडरूम 12x12 का, 12x12 का है, इसके लिए ये डोर भी मैंने दिया है। तो ये 12x30 में एक बेस्ट प्लान है अगर आप बनवाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं किचन को इधर करना तो आप फ्रंट में किचन भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन स्टेयर्स के नीचे आपका लेटरिन बाथरूम कम्बाइंड बेस्ट रहेगा। और ये आपके एक बेडरूम, ये किचन, ये आपका स्टेयर्स वगैरह हैं। तो यही पूरा मॉडल। अगर ऊपर की बात करें तो इसका जो ऊपर का फ्लोर है वो सेम है, बस मैंने स्टेयर्स को ढक दिया और यहाँ पर रेलिंग आप देख पा रहे होंगे, नॉर्मल सी रेलिंग, और चारों तरफ 3 से 3.5 फीट का बाउंड्री है और ये मैंने ऊपर से ढक दिया है, जिसमें आपका बरसात में कोई पानी वगैरह नीचे ना आए, इसलिए इस कुंटी को बना दिया है। इसी पर आप अपने पानी की टंकी वगैरह रखवा सकते हैं। अगर इसके ऊपर भी बनवाना चाहते हैं तो आप एक फ्लोर बनवाने के बाद आसानी से इसको लास्ट में रख सकते हैं। तो ये पूरी रेलिंग और 12x30 का हाउस प्लान है, हमारे एक सब्सक्राइबर थे उनके कहने पर डिज़ाइन किया। तो ये मॉडल कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों ये मॉडल हमारा कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है या फेसबुक पेज हमारे को फॉलो नहीं किया तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं लगातार फेसबुक पर भी डिफरेंट टाइप के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और यूट्यूब पर भी, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को आप ज़रूर फॉलो कर लें। अगर आपका कोई भी रिकमेंडेड मॉडल है
फ्री वाला तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं किसी न किसी का डिज़ाइन ज़रूर करूँगा। अगर आप पेड़ बनवाना चाहते हैं, पैसे देकर बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर चैट करें, वहाँ पर मैं अपना कॉस्ट वगैरह आपको बताऊँगा कि कितने कैसा आपको कॉस्ट देना पड़ेगा, और मैं आपको एक सैंपल भी वहाँ पर भेजूँगा जिससे आप आसानी से समझ पाएँ कि आपका मॉडल कैसे तैयार होगा। तो प्लीज़ अगर आप पैसे देकर बनवाना चाहते हैं तो हमारे कमेंट में, सॉरी हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, मुझे वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप पर केवल पेड ही काम आप कांटेक्ट करें, हमें कोई भी वैसा पर्सन मत करें जो फ्री बनवाना चाहता हो, क्योंकि मैं उसका क्रिएट नहीं करूँगा, फिर आप कहेंगे सर रिस्पॉन्स नहीं करते हैं या वगैरह वगैरह। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।